अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा जारी किए गया 200 रुपए का नया नोट आपको दिवाली पर भी ATM से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नए साल तक इंतजार करना होगा। भारत के लिए 1,00,000 से भी ज्यादा ATM का निर्माण कर चुकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवरोज डस्टर ने कहा कि हमने कुछ ATM को नए नोट के हिसाब से ढाल दिया है। हम केवल कार्य करके देते हैं और अन्य ATM को 200 रुपए के हिसाब से कब ढाला जाएगा यह फैसला करना हमारा काम नहीं है, इसका फैसला केवल बैंक ही लेंगे। डस्टर ने कहा कि कई बैंकों से हमें ATM मशीनों के अपग्रेड हेतु कोई सिफारिश नहीं मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कैनरा बैंक के चेयरमैन राकेश शर्मा ने कहा कि नोटबंदी के बाद पब्लिक की सुविधा के लिए ATM का सुधार कार्य बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। मशीनों का यह सुधार कार्य बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसे हफ्तों लग सकते हैं। बैंकों में मिल रहा है नोट RBI द्वारा जारी किया गया 200 रुपए का नोट फिलहाल बैंकों की ब्रांच में मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति एक बार में 2,000 रुपए के कुल मूल्य के 10 नोट ले सकता है। फिलहाल इस नोट को लेने का यही एक तरीका है। इस वजह से हो रही है देरी, ATM के जरिए इस नोट को मिलने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि बैंकों के पास पहले से ही इसकी कमी है, जिसकी वजह से ATM में पैसा डालने वाली एजेंसी के पास यह नहीं पहुंच रहा है। दूसरा कारण है कि बैंकों ने अभी तक ATM सर्विस प्रोवाइडर को भी मशीन में बदलाव करने के लिए नहीं कहा है। आसान नहीं मशीन में बदलाव करने की प्रक्रिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंकों का कहना है कि ATM में बदलाव करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। NCR कॉरपोरेशन के MD नवरोज दस्तूर ने कहा कि अभी हमने कुछ मशीनों में बदलाव कर दिया है। NCR कॉरपोरेशन की देश भर में 1,00,000 से अधिक ATM मशीन लगी हुई हैं। हालांकि बैंकों की तरफ से उनको मशीनों में बदलाव करने के लिए अभी तक नहीं कहा गया है। कैनरा बैंक के चेयरमैन राकेश शर्मा का कहना है कि नोटबंदी के बाद से लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि ATM में नए नोट के लिए आसानी से जगह बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। नोटबंदी के वक्त भी सभी ATM मशीन में बदलाव करने के लिए 2 हफ्ते से अधिक का वक्त लग गया था। फिलहाल बैंकों को किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है जैसी नोटबंदी के बाद थी। 500 2,000 के नोट की भी कमी ATM के लिए, बैंकों के पास 500 और 2,000 का नोट भी पहले से कम संख्या में सप्लाई हो रहा है। इसमें 30-40% की गिरावट देखी गई है। वहीं व्हाइट लेबल ATM में भी सप्लाई 50% तक गिर गई है।